नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का हमारा नई वीडियो में। आज आपको जानकारी देंगे बायो इंजाइम के बारे में, जो बायो इंजाइम आप कैसे अपने घर पर बनाएं और क्या काम में आता है बायो इंजाइम। जो यदि आप फूल पौधे के शौकीन होंगे तो इसके बारे में आपको बहुत ही जानकारी लेना होगा कि बायो इंजाइम होता क्या है। तो बायो इंजाइम, ये जो छिलका आप देख रहे हैं, ये मौसमी का छिलका है। ये जो छिलका है मौसमी का और संतरा का, नींबू का छिलका का आप बायो इंजाइम बना सकते हैं। बायो इंजाइम आप बासी भात का भी बना सकते हैं, आलू का भी बना सकते हैं, जितना भी साग सब्जी है उस चीज़ का भी बना सकते हैं। बनाने का एक तरीका किस तरह है और ये क्या काम में आता है वो आपको पूरा बताएंगे। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि इस तरह पावरफुल जो बायो इंजाइम है ये पौधों के लिए एक टॉनिक का सामान है, जो हम लोग के शरीर में तरह तरह का टॉनिक डॉक्टर वगैरह लिखता है कि आपको ये कमी है वो कमी है। तो वही चीज़ आज हम पौधे के बारे में बताना चाह रहे हैं कि बायो इंजाइम होता क्या है, जो पौधा में बायो इंजाइम क्या फ़ायदा करेगा, क्या काम करेगा। तो जो आप बाहर से केमिकल दवाई ला के डालते हैं, केमिकल वगैरह डालते हैं पौधा के लिए, तो पौधा को कहीं ना कहीं नुकसान करता है। और ये घर से आप बना कर डालते हैं तो आप हमेशा आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा, और जो कचरा आप बाहर फेंकते हैं वो कचरा आपका एक सोना के माफिक काम में आएगा। इसे आपका हाथ में है सोना बनाना या हीरा बनाना। ये कचड़े को आप चाहें तो बाहर में गंदगी फैला सकते हैं, और ये कचड़े से चाहें तो किसी भी पौधा को आप टॉनिक बना सकते हैं। तो बनाना बहुत ही आसान है, ये आप बना सकते हैं। तो इस तरह का आप बोतल ले लें, और इसमें हम डेट लिख दिए हैं, तो इस तरह का आप कोई भी बोतल लेके और डेट तारीख लिख दें, क्योंकि इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस रहता है, और वो लंबा प्रोसेस आपको बताएंगे कि इसको कितना लंबा प्रोसेस रहता है। इस तरह का छिलका जो आप घर में जूस वगैरह पीते हैं, या आप लेमू, कच्चा लेमू जो रहता है, कागजी लेमू, उसका भी छिलका यदि आपके घर में रहता है तो स्टोर करते जाइए। तो पहले हम आपको बताते हैं कि इस तरह का छिलका के आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इसे हम आपको बताना चाह रहे हैं, यानी कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो इस तरह का आप बोतल ले लें और इसे आप खोल लें। तो दोस्तों, इसे डालना है, इसे पीस कर नहीं डालना है, इसे इसी तरह डालना है। यदि आप का बोतल में जा रहा है इस तरह तो बहुत ही अच्छा है, यदि आप छोटा पीसेस करके डालना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, पर पीस के ना डालें। बायो इंजाइम हर चीज़ का बनता है, केवल हरा हरा चीज़ का हो गया, नींबू का हो गया, भात का हो गया, पर कौन सा किस चीज़ में काम आता है वो आपको बायो इंजाइम एक एक गो बनाते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। बायो इंजाइम आपको किसके लिए चाहिए, किस पौधे के लिए चाहिए, कौन सा आपको जो भात बासी भात होता है उसके लिए बायो इंजाइम चाहिए, वो हमें आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि बायो इंजाइम जो है हमें मैडम इस चीज़ का बताइए तो हम उस चीज़ का बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम संतरा का बता रहे हैं कि संतरा का बायो इंजाइम बहुत ही अच्छा बनता है। बायो इंजाइम किस काम में आता है, बायो इंजाइम आपका ये संतरा का आप चाहें तो इसे किचन वगैरह साफ़ कर सकते हैं, इसे फर्श वगैरह साफ़ कर सकते हैं, इसमें गंध एक जरा नहीं रहता है। बायो इंजाइम ये घर के लिए भी है और आपका पौधे के लिए भी है। A few moments later. तो आप देख सकते हैं इस पर हम भर दिए हैं, सारा भर दिए हैं। अब ये आपको जानना है ये कितना गर्म है, तो ये 250 ग्राम छिलका है, ये हमारा 250 ग्राम छिलका है, और इसमें आप पानी कितना डालेंगे, तो ये 2 लीटर का बोतल है, इस पर 1 लीटर डालें आप, ये 1 लीटर पानी है, इसमें 1 लीटर डालें, मतलब पानी आपका कहाँ तक होना चाहिए, छिलका को ऊपर हल्का सा ऊपर होना चाहिए, पूरा पैक नहीं होना चाहिए पानी, ताकि जब इस पर गैस बनेगा तो इसे जगह मिलना चाहिए गैस को रिमूव होने के लिए। तो यहाँ 1 लीटर हम पानी डाले हैं, फिर भी पानी इस छिलके के ऊपर नहीं आया है, तो इसमें कल या आप
अभी ही डाल सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। ये जो बोले थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, पर यहाँ पर ही हम गुड़ भी रखे हुए हैं, क्योंकि इसे गलाने के लिए गुड़ बहुत ही कारगर है और बहुत ही फायदेमंद है। कोई भी बायो एंजाइम बनाने के लिए आपको गुड़ का ज़रूरत पड़ेगा ही। तो गुड़ हमारा कितना है, गुड़ हमारा 100 ग्राम है, यानी 250 ग्राम आपका छिलका है तो 100 ग्राम गुड़ है। ये दोनों चीज़ को मिलकर बनेगा बायो एंजाइम। तो इसे हम डाल लेते हैं, यहाँ फर्श में गंदा होगा, हम बाहर जाके डाल लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो गुड़ का पानी है हम यहाँ तक डालें तो यहाँ तक आ गया है। अब इस पर पानी नहीं डालना है आपको, जो ऊपर में हल्का फुल्का दिख रहा है वो भी गलने के बाद नीचे दब जाएगा। अब इसे कितना दिन तक रखना है, इसे 3 महीना तक रखना है। और 3 महीना तक आपको करना क्या है, इसे अभी टाइट आप कर देते हैं तो कल आपको इस पर गैस बन जाएगा। गैस बनेगा तो इसका गैस भी निकालना है आपको। बच्चे के सामने से इसे दूर रखें, क्योंकि जब आप इसे इस तरह हिलाएंगे तो बोतल फटने का डर रहता है। और गैस आप निकालेंगे तो इस टाइप करका खोलना नहीं है, खोलना है आपको इस टाइप करके अपने चेहरे से इधर ऐसे खोलेंगे, बस पूरा नहीं खोलना है, यहाँ तक खोलेंगे, गैस निकला फिर ऐसे पैक कर देंगे। तो इसे आपको करना है जब तक गैस निकल रहा है 4-5 दिन तक करें। जब गैस निकलना बंद हो गया तो इसे टाइट करके रख दें। यदि आप बाहर जा रहे हैं 7-10 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो ये ढक्कन आप ढीला कर दें, इस तरह ढीला कर दें, आपको फटने का, ये बोतल फटने का डर नहीं रहेगा। क्योंकि जब इसके अंदर गुड़ गया है तो ये गलाने का प्रक्रिया करेगा और ये इससे गैस बनता है। तो आप अभी इसे टाइट कर दें। और ये पानी जो है ये पूरा गल जाता है, पूरा गलने के बाद ये एक लेवल में आ जाएगा, एकदम पानी पानी हो जाएगा। जब 3 महीना के बाद इसे छान कर पानी को रखना है और आपको ढक्कन से, जैसे कि मान लीजिए ये ढक्कन है, ये ढक्कन से 2 ढक्कन आदि 2 लीटर पानी में मिलाकर अपने पौधों में डालते हैं तो पौधा का बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है। पौधा आपका हरा भरा रहता है, फूल से भरा रहता है, कोई भी चीज़ का अटैक नहीं होता है। इस तरह बायो एंजाइम बनाकर 100 रुपया लीटर करके अभी बेचा जा रहा है। ये बायो एंजाइम बनाकर इसका पानी यदि आप लेने चाहते हैं बायो एंजाइम का तो 100 रुपया लीटर है। तो ये चीज़ आप मुफ्त में जो फेंक दे रहे हैं, ये चीज़ खुद से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत लगेगा तो आपका जो घर का कचरा बाहर फेंका रहा है ये कचरा आपका काम में आ जाएगा। और पौधा का यदि शौकीन है तो इस तरह आप बना के हर तरह का रखें, भात का रखें, आलू का रखें, प्याज का रखें, हरा सब्जी का रखें, कागजी नींबू का रखें, इस तरह आप बना बना के एक टॉनिक तरह रखते हैं तो आप बदल बदल के देते हैं अपने पौधों में, तो कभी भी आपको बाहर का केमिकल नहीं खरीदना होगा। तो इस तरह हमारा जानकारी आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमें वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।